पिछले 2 महीने में बीजेपी से कुछ बड़े नेताओं ने भी किनारा किया है। कोई अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहा है तो किसी को बीजेपी में अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास अब कांग्रेस में हैं और पंचमहल के कलोल में उनके सियासी वजूद को नकारा नहीं जा सकता। एक और नाम है बालकृष्ण पटेल का। बालकृष्ण पटेल भी हाल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ मुड़ गए और बालकृष्ण वडोदरा के दुभोई से 2012 में विधायक रह चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला को डर लगा था कि उन्हें बनासकांठा के वायड सीट से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का पंजा थाम लिया है। सूरत की बात करें तो सूरत में बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष पीवीएस शर्मा ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान भी बीजेपी के बागी बनकर कांग्रेस के साथी बन गए। प्रभात सिंह चौहान ने 2017 में अपनी पत्नी के लिए पंचमहल की कालोल सीट से टिकट मांगा था मगर मिला नहीं। बीजेपी मानती है कि जितने भी नेताओं ने उनका साथ छोड़ा उनका असर उस इलाकों में ज्यादा नहीं रह गया था और इसके एवज में उन्हें कुछ अच्छे नेताओं का साथ मिला। हर्षद रिवाड़िया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें जूनागढ़ के विसावदर से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस के सचिव हिमांशु व्यास भी बीजेपी में हो गए। हिमांशु सुरेंद्रनगर की वाधवान सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। छोटे उदयपुर में मौजूदा विधायक मोहन सिंह राठवा भी कांग्रेस से अलग हो गए। पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कभी भी रिजाइन कर देगा, कोई सत्ता के लिए रिजाइन करेगा, कोई अपने परिवारजनों को टिकट के लिए रिजाइन कर देगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में थे बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में से कांग्रेस में भी जा रहे हैं। और जयनारायण व्यास जैसे दिग्गज लोग भी बीजेपी छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ बहुत सारे जो लोग हैं कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, तो बहुत सारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स को अपने स्वार्थ के लिए, उसके लिए अभी कोई पार्टी का सिद्धांत महत्व का नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो सिद्धांत साइड में रह जाते हो और अपने अपने स्वार्थ के लिए वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। गुजरात में बागियों की वजह से बीजेपी के लिए एक तरह की दुविधा बन रही है। हालांकि इससे निपटने के लिए हर सीट पर 3-3 दावेदारों के नाम मांगे गए थे। बीजेपी को लगता है कि इस तरह की रणनीति बगावत करने वालों को भीतर घात करने का मौका नहीं देगी और पार्टी नेताओं का यकीन पक्का है कि गुजरात में फिर से सत्ता उन्हीं की आएगी। गुजरात की अगर बात करें तो चुनौतियां दूसरे राज्यों में भी, जैसे हिमाचल में भी दो पार्टी की बात थी, गुजरात में दो पार्टी पहले थी, अब तीसरी पार्टी अरविंद केजरीवाल तो वहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को कितनी बड़ी चुनौती लगती है? हर चुनाव लड़ने वालों को जीत का दावा करना और हर पार्टी को सरकार का दावा करना, ये उनके अपना अधिकार है, अपनी समस्या है और वो करते रहे। पर मेरा विश्वास है कि गुजरात में जो 15 साल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया और जो बोला है वही कहा, जो कहा वही बोला, उसके आधार पर फिर से एक बार हमारी शानदार जीत होगी। आज तक नहीं हुई, इससे ज़्यादा मेजोरिटी से होगी, ये मेरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि बागियों का संकट सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस में हो। आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही परेशानियों से जूझ रही है और इनकी शुरुआत हुई है उस दिन से जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना सीएम चेहरा घोषित किया। आम आदमी पार्टी भले ही गुजरात में शोर मचा रही हो लेकिन अंदरूनी मतभेद सबसे ज्यादा इसी पार्टी में है। ईशुदान गढ़वी का सीएम कैंडिडेट के तौर पर नाम ऐलान करने के बाद से ही गुजरात इकाई के कोर नेताओं में दरार पड़ गई है। गुजरात में नंबर 3 बताए जाने वाले इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गोपाल इटालिया भी नाराज चल रहे हैं। अगर वक्त रहते आम आदमी पार्टी ने इस कलह को दूर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कई और नेता आपका दामन छोड़ सकते हैं। इंद्रनील राजगुरु और गोपाल इटालिया ये दोनों ही खुद को गुजरात में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मान रहे थे, मगर अब इनकी नाराजगी सामने आते ही विरोध के सुर मुखर होने लगे। ये अलग बात है कि गोपाल इटालिया कैमरे के सामने इसे बयां नहीं कर रहे। मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा
कि इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है, अगर करप्शन नहीं होता है तो कहां से आता है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल इटालिया के संपर्क में आम आदमी पार्टी के कई और नेता हैं। अगर ये टूटे तो गुजरात में 93 सीटें जीतने का सपना देख रही केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। यह अलग बात है कि केजरीवाल चुनावी रैलियों में इस तनाव को चेहरे पर नहीं लाने देते। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गालियां देनी नहीं आती। पढ़ा लिखा आदमियों काम करना आता है, स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, दिल्ली में भी बना दिए, पंजाब में भी बना रहा हूं, आप मौका दोगे गुजरात में भी बना दूंगा। और झाड़ू इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतना बटन दबाना है कि बटन काम करना बंद कर दो। इंद्रनील राज्यगुरु जो आर्थिक रूप से भी सक्षम थे और पिछले विधानसभा चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक थे, उनका पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी को अखरेगा जरूर। निश्चित तौर पर सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। राज्यगुरु के अलावा कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे कभी भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। किसी भी चुनाव में बागियों के दो रुख होते हैं, वो या तो गणित बिगाड़ते हैं या फिर सरकार बनाते हैं। गुजरात में बागी सरकार बनाने से तो रहे, लिहाजा हर किसी की कोशिश यही है इन्हें नाराज ना होने दिया जाए। बीजेपी अपने तरीके से इससे निपटने से जुटी है, आम आदमी पार्टी का अपना तरीका है और कांग्रेस इसके दूसरे तरीके से भरपाई करना चाहती है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।